अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? और सुनाए, आप सब ठीक हैं? तो आज जनाब मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा रिव्यू लेके आई हूँ बालों में कर्ल करने। ठीक है, पहले मेरी कटिंग नहीं थी तो अभी मैंने कटिंग करवाई है, तो मैं आपको आज ये सारी जो बालों की सेटिंग है ना वो करके दिखाती हूँ। ठीक है, और ये देखिए आपको मैं छोटी सी एक बात समझाती हूँ। अगर आपने बालों में नीचे नीचे कर्ल करने हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने बालों को दो हिस्सों में कर लेना है। ठीक है, कौन है? तो ये देखिए इस तरह से आपने अगर नीचे नीचे कर्ल करने हैं तो आपने क्या करना है, इस तरह से बालों को कैच कर लेना है। ठीक है, अभी मैं वो कैच करके दिखाती हूँ। इस तरह से बालों को आपने कैच कर लेना है। ठीक है, और ये जो नीचे वाले बाल है ना, ये वाले, ठीक है, और अगर आपने नीचे नीचे कर्ल करने हैं तो यानी कि यहाँ तक, तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़े थोड़े से इसकी थोड़े थोड़े सेक्शन बना के ना, फिर आपने इस तरह से यहाँ पे आपने यहाँ तक आपने कर्ल करना है। ठीक है, और अगर आपने बालों को फुल करना है कर्ल यानी कि सारे बालों को, तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको तीन चार तरीके बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, रिबन डाल लेना है। ठीक है, इस तरह से क्या कर दी है? तो गाइज आपने इस तरह से रिबन डालना है, और इस तरह की कोई रबड़ वगैरह यूज़ करनी है, ताकि जब आप अभी मैं आपको ये फ़िलहाल करके दिखा रही हूँ, और ये वाला जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप लोग कहीं जाना हो तो बड़ा मसला बन जाता है ना, खुले हुए बाल हों तो कर्ल कैसे करें, ये वो सौ मसले मसाइल बन जाते हैं, टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। तो जब आप इस तरह से आपने, मैंने तो ये फ़िलहाल ली ना, तो लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस तरह से दो रबड़ लेनी है, इस तरह से रबड़ बैंड लेने हैं, और जब आपने ये पहन लेने ना, उसके बाद आपने ये बाल डाल के, तो आपने क्या करना है, आपने इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, इसकी आपने कटिंग कर देनी है। जब सारे कर्ल कर लेंगे तो फिर आपने कटिंग कर देनी है, और वो फिर अगर आपने साड़ी वगैरह पहनी हो तो उसके साथ आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं अपने किस तरह से बनाने लगी हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं इनको खोल देती हूँ, और मुझे चाहिए अपने बालों में कर्ल। और अभी मैंने कटिंग करवाई है, मैंने आपसे बोला था कि जब मैं कटिंग करवाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर आपको करके दिखाऊंगी। अभी अभी बड़ा है। ठीक है, आपने छोटे छोटे से लेने हैं क्या, इस तरह से, और स्प्रे आपने ज़रूर यूज़ करनी है साथ इनके। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से आपके सारे जो बाल हैं ना कर्ल हो जाएंगे। अभी मैं अपने फुल बालों में करूंगी। तो जी व्यूअर, ये देखें इस तरह से मैंने कर्ल किए हैं। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अभी ये काफ़ी गर्म है, ये देखिए कितना प्यारा हुआ है, वाओ, ये देखिए है ना। तो अगर आपके कर्ल ख़राब हो जाए तो आपने उसी रुख में अपने हाथ की मदद से ना, फिंगर से उनको उसी रुख पे आपने ले जाना है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले कर्ल बताए थे ना वो पिन वाले थे, ये पिन के बगैर है, और ये आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा देर तक चाहिए तो आप इनके ऊपर स्प्रे करें और अपने बालों को
फिर क्या होगा? इसी तरह से रहने दें। और मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, जैसे कि अभी मैं करती रहती हूँ अपने बालों में, सही है, कर्ल वगैरह, तो इसको मैं अभी कर देती हूँ पीछे और मैं इसको दो हिस्सों में कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से ये मैंने अलग कर दिए और इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से बाल उठाने, तो आपने इस तरह से कर लेने। जब आप इस तरह से बाल अपने कर लेंगे ना, तो आपको करने में, बालों को कर्ल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और ये देखिए अभी अलग सा बीच में है, अलग सा है ना। ये देखिए इसको हम कर देते हैं पीछे और यहाँ से हम एक और लेते हैं। तो जी गाइस, ये देखिए है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। अभी मैंने नीचे नीचे किए हैं और फ्रेंड की जो कटिंग है वो भी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन अयान बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मेरी मर्ज़ी की जो है ना सेटिंग नहीं हुई जिस तरह से मैं चाह रही थी। ब्लो ड्राई भी मैंने नहीं करवाया, आयरन के साथ बस सेटिंग करवाई थी। और अभी आप देखना कितनी प्यारी लुक आएगी मेरी। आपने ये टोन लगाते हुए डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हाय कान पे लग जाएगी, इस तरह से लग जाएगी, ये होगा। जब आप सही तरह से इसको, इसकी सेटिंग जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, ऐसे करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और सब बोलेंगे कौन से पार्लर से आपने बाल करवाए हैं। तो जी जनाब, पीछे से हमने बाल कर लिए हैं कर्ल और उनको मैंने पीछे कर दिया है, और ये आगे के बाल हैं। अगर आपने लेयर कटिंग करवाई है तो आपको इस तरह से कर्ल करने हैं, यहाँ से आपने इस तरह से बाल लेने, ठीक है, छोटे छोटे से जो सेक्शन लेने ताकि आपके कर्ल अच्छे लगे। और इस साइड पे आपने कैचर लगा लेना है और यहाँ से आपने, मेरी जो वीडियोस होती है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जितने देखने वाले, मेरे चाहने वाले ना, मुझसे कुछ ना कुछ सीखें। फजूल की वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती और बेफजूल और बेमायने वीडियो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाऊँ, आप लोग मुझसे सीखें। अच्छा जी, आपने बालों का रुख अगर अंदर को रखना है ना, तो फिर अंदर को करने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि बाहर की तरफ को, तो फिर आपने बाहर की तरफ को रख के करना है, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे बालों का रुख जिस तरफ मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं। मैंने सिर्फ अभी देखनी है कि मेरी कटिंग जो है ना कर्ल करूँगी तो अच्छे लगेंगे कि नहीं। तो यकीनन मुझे तो अच्छे लगेंगे, लग रहा है, तो आप लोग बताना। ये देखिए, ये मैंने करवाई है लेयर में। तो गाइस यहाँ पे ये जो बात है ना, ये जो काम है, ये देखने वाला है। इस तरह से आपने टोन रखना है और इस तरह से करना है, और ये देखिए इस तरह से टेढ़ा रखना है आपने, जिस तरह से आपकी कटिंग है ना, इस लिहाज में, ठीक है, इस तरह से आपने रखना है और इसको इस तरह से आपने घुमा देना है, सही है। ये देखो, ओहो स्विच निकल गया। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जी गाइज, आज मैं बहुत परेशान हूँ, ये स्विच मुझे बहुत तंग कर रहा है, बार बार उतर रहा है और मेरी वीडियो जो बहुत लेट हो रही है। तो जी वीवर, ये देखें किस तरह से बालों को कर्ल किए हैं और आप लोगों को कैसे लगेंगे कर्ल, और मुझे ज़रूर बताना। तो जी वीवर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना। और मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, मेरी बहुत अच्छी, बहुत पुरानी मेरी फ्रेंड है, दरवाज़ा ओपन करो। तो काफ़ी परेशान थी, फाइका मोइन टेंशन नहीं लेते, ये तो जीवन की लड़ियाँ हैं, कभी चढ़ती हैं और कभी घटती हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए सॉन्ग
गा दूँ? ठीक है। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं भागी। बस मुझे इतने गाता है, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, समीना शौकत और किंजा और काफ़ी मेरी अच्छी अच्छी दोस्तें हैं सबके, जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, नाजिगा, शाजिगा और फौजिगा और क्या नाम था, आसिगा, आसिगा। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये लुक मुझे कैसा लगा, कटिंग करवाई है, अच्छी लगी भी कि नहीं, बस ऐसे ही है, और मुझे ज़रूर बताना। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।